रियाकारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, अपनी इबादतों में इखलास पैदा करें, हर इबादत में। और हर इबादत के शुरू से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इखलास अता फरमाए। इखलास एक ऐसी चीज है जो आपको रियाकारी से बचा सकती है। नमाज को आ रहे हैं, नियत की इस्लाह कर लो। इल्म सीखने आ रहे हैं, नियत की इस्लाह कर लो। ऐ अल्लाह मैं तेरी खातिर जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरी खातिर नमाज पढ़ रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरी खातिर कर रहा हूं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ करते थे, اللهم اجعل عملي كله صالحا, अल्लाह मेरी सारी इबादतें नेक बना दे। واجعله لوجهك خالصا, ये सारी इबादतें तेरी रजा के लिए खालिस फरमा दे। ولا تجعل لاحد منها شيئا, इन इबादतों में से जरा बराबर भी किसी को मत दे, ये सिर्फ तेरे लिए है। सुभान अल्लाह, नियतों की इस्लाह से रियाकारी दूर हो जाती है। और नियतों की इस्लाह बार बार जरूरत होती है, बार बार जरूरत होती है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि जब तुम क्लास को आते हो रोजाना, अपनी नीयत की इस्लाह करके आओ। कि तुम इल्म सीख रहे हो, अपनी नीयत की इस्लाह करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नीयत में रियाकारी आ जाए और सारी नेकियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह मुस्तान, सारा सीखना बर्बाद हो जाए। अगर रियाकारी दाखिल हो गई तो बरकत उठ जाएगी, बरकत उठ जाएगी। अगर आप अपनी बच्ची को मदरसे में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आलिमा हो, नेक हो, और रिश्ते आए कि आलिमा का रिश्ता है बोलकर आए, याद रखो बरकत नहीं रहेगी, बरकत नहीं रहेगी। आप इसलिए बनाओ कि दीनदार बने ताकि उसकी आखिरत सवरे, खुद नेक हो, लोगों को सुधारे, तो इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। नंबर दो, एक अपनी नियतों की इस्लाह करें। नंबर दो, हमेशा रियाकारी से पनाह मांगें, पनाह मांगे। प्यारी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, आप लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ऐ अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखाई है, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं तुझसे कि मैं जानते बूझते शिर्क करूं, जानते बूझते शिर्क करूं, और मैं तौबा करता हूं कि नादानी में भी मुझसे कोई शिर्क हो जाए तो अल्लाह तू माफ फरमा। तो इंसान को दुआ करनी चाहिए, हमेशा से दुआ करनी चाहिए, अपनी इबादतों को अल्लाह के लिए खालिस करना चाहिए। अलगर्ज रियाकारी ये बाब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बाब है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान जब अल्लाह से डरेगा तो रियाकारी उसके दिल से निकल जाएगी। जितना अल्लाह का डर उसके दिल में जितना ज्यादा होगा, रियाकारी उतनी बाहर होती जाएगी। तो अल्लाह हुज़रत मुझे और आपको रियाकारी से बचाए, दिखावे से बचाए। अल्लाह हुज़रत मुझे और आपको शिर्क अकबर, शिर्क असगर से बचाए, हर किस्म के शिर्क से महफूज फरमाए। अल्लाह जब तक कि हमारी सांसें चलें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलें, उनकी पैरवी में चलें, उनके तकाज़ों को पूरा करते हुए चलें, और जब इस दुनिया से हम रुखसत हों तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमारा जनाजा निकले और हम ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हों। ऐ अल्लाह जब हम कब्र में दाखिल हों तो हमें कब्र के अजाब से बचा ले, कब्र के अजाब से तो हमें महफूज फरमा ले। ऐ अल्लाह जब क़ियामत के दिन इकट्ठा फरमा तो रोज़े महशर की तकलीफ़ों से, रसवाई से हमें बचा ले, हमारा हिसाब आसान फरमा। ऐ अल्लाह जब हौज़े कौसर का मौका आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें सैराब फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात का हमें मुस्तहिक बना। जब पुल सिरात का मौका आए, ऐ अल्लाह वहाँ हमारे ऊपर आसानी फरमा और उस राह को हमारे लिए आसान फरमा। ऐ अल्लाह तो जन्नत में दाखिल फरमा तो बग़ैर हिसाब व अजाब के जन्नतुल फिरदौस में हमें दाखिल फरमा। ऐ अल्लाह तो जब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत हमें अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अकूल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु वल गफूर रहीम।